20 अप्रैल से किसको राहत मिलेगी, सरकार क्या तैयारी कर रही है, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत हरियाणा टॉप 20 के साथ। हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा, कोरोना संक्रमित की संख्या 227, 88 लोग डिस्चार्ज हुए, 3 लोगों की जान गई। हरियाणा का नूह जिला सबसे ज्यादा प्रभावित, 57 लोग कोरोना पॉजिटिव, फरीदाबाद में 33, गुरुग्राम पलवल में 32 लोग कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से जंग में बड़ी चुनौती बनी, विदेश से लौटकर आए गायब 339 लोग, सुरक्षा एजेंसियों के छोटे पसीने, गृहमंत्री ने डीजीपी को दिए जांच के आदेश। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, कोरोना से कुछ अच्छी उम्मीदें भी हैं, कोरोना के बाद शायद लोग हाथ मिलाना, गले मिलने छोड़कर नमस्कार करना शुरू कर देंगे। सरकारी नीतियों पर बोले सुरजेवाला, खट्टर सरकार पर साधा निशाना, कहा उद्योगों को विशेष पैकेज दे सरकार। जसपा नेता अजय चौटाला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि नुक्ताचीनी करने वाले लोग सिर्फ दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठकर बयान जारी करते हैं। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला की मदद दिए 300 पीपीई किट और 50,000 मास्क, साथ ही प्रशासन को आश्वासन दिया, कहा हर संभव मदद के लिए हम तैयार। धार्मिक संगठन मददगार साबित हो रहे हैं, संत निरंकारी मिशन ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री को, हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन को 1,005 पीपीई किट दान में दी। एक्शन ग्रुप हरियाणा सरकार, 20 अप्रैल के बाद की अधिकारियों कर्मचारियों को नियमित ड्यूटी पर आने के आदेश जारी। हरियाणा सरकार के आदेश के मुताबिक सभी एबी लेवल के अधिकारियों को नियमित कार्यालय में हाजिरी लगाने के आदेश, ग्रुप सी और डी के 33% कर्मचारी विभाग अध्यक्ष के मुताबिक कार्यालय में हाजिरी लगाएंगे। कोरोना योद्धाओं की अनूठी मिसाल, सोनीपत के प्रसिद्ध समाजसेवी उद्योगपति वीरेंद्र सिंह ने पेश की मानवता की मिसाल, रोजाना 6,000 लोगों को खिलाते हैं खाना। जिला प्रशासन ने अनूठी पहल की, मोबाइल मेडिकल डिस्पेंसरी की शुरुआत हुई, जरूरतमंदों को मिलेगी मेडिकल सुविधा। कर्फ्यू, लॉकडाउन और क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को जाना पड़ सकता है जेल, कई धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा। फरीदाबाद में 20 अप्रैल से खुल सकती है इंडस्ट्रीज, कुछ शर्तें हैं, केवल 25% कर्मचारी करेंगे काम। हरियाणा में लॉकडाउन के बीच प्रदेश की मंडियों में चौथे दिन भी सरसों की खरीद जारी, किसानों की मंडियों में पहुंचने से पहले स्वास्थ्य जांच। सरसों मंडी पहुंचे कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल, किसानों को दिए सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश। गेहूं की फसल ऑनलाइन खरीदने से आढ़तियों ने किया इनकार, रोहतक मंडी के आढ़तियों ने लाइसेंस किए मार्केट कमेटी के दफ्तर में सरेंडर, सरकार से मैनुअली खरीद करने की मांग। हरियाणा में गेहूं की फसल की खरीद की तैयारियां पूरी, लेकिन अंबाला में कुछ किसानों ने लेबर की कमी के चलते फसलों की कटाई शुरू नहीं की, छोटे किसानों का कहना है उनके पास लेबर नहीं है, वो खुद फसल काट नहीं सकते। एडीजीपी अंबाला रेंज ने यमुनानगर के एसपी के साथ कंटेनमेंट जोन का दौरा किया, कहा रेंज की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। कोरोना वायरस को लेकर जिला के प्रशासनिक आईजी हरदीप दून और उपायुक्त सुजान सिंह ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों और प्रिंसिपल के साथ की बैठक, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए।